से आप लोग उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। सो गाइस, बहुत दिन से वीवो का वीवो S9 एंड वीवो S9e से लेकर बहुत सारा रिमोट्स आ रहा था, मगर वीवो ने आज चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च कर दिया अपना वीवो का वीवो S9 एंड वीवो S9e। सो गाइस, इससे रिलेटेड बहुत सारा रिमोट्स आ रहा था, मगर आज जो लॉन्च है इसका, इस वीडियो में मेनली वीवो S9 एंड वीवो S9e का स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहला जो वेरियंट आता है वीवो S9, सो गाइस इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें आप लोग 6.44 इंच OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसका आप लोग डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलेगा 90 GHz तक। इसमें आप लोगों को HDR10+ सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को 2.6 GHz ऑक्टोकोर डायमेंसिटी 1100 चिपसेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को 12 GB रैम एंड 250 GB इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं इसका बैटरी बैकअप के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 4000 mAh बैटरी मिल जाएगा, जिसके साथ आप लोगों को 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी के लिए आप लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। ये जो मोबाइल है वो रहेगा Android 11 बेस्ड OS 1.00 वर्जन। सो गाइस, वीवो S9 ट्रिपल रियल कैमरा आप लोगों को सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइमरी कैमरा रहेगा OIS सपोर्टेड 64 MP सेंसर। उसके साथ साथ आप लोगों को 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 MP मैक्रो कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड फोकस फ्रंट में आप लोगों को 44 MP प्राइमरी सेंसर और 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। S9 आप लोगों को 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज का वेरियंट का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 33,723 एंड आप लोगों को 12 GB रैम एंड 250 GB स्टोरेज का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 3,096 rupees। इसके बाद में आ जाते हैं वीवो S9 का स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें आप लोगों को सैमसंग OLED प्लान देखने को मिल जाएगा, जिसका आप लोग रिफ्रेश रेट लगा 90 GHz तक। इसमें आप लोगों को डायमेंसिटी का 1100 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आप लोग डायमेंसिटी 900 चिपसेट आप लोग इसमें दिखाई देगा। इसमें आप लोग 8 GB रैम एंड 250 GB इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को वेरियंट मिलेगा, जो आप लोग SD कार्ड लगा के आप लोग एक्सटेंड भी कर सकते हो। इसका जो प्राइमरी कैमरा रहेगा वो रहेगा 64 MP, जो आप लोगों को वॉयस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोग को इसमें 8 MP अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग फ्रंट में 30 MP आप लोगों को सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। पावर बैकअप के लिए आप लोग को इसमें 4100 mAh बैटरी, उसके साथ साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आप लोग देखने को मिल जाएगा। ये जो फोन रहेगा वो रहेगा Android 11 ओरिजिन OS 1.0 वर्जन आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज का जो प्राइस रहेगा वो 26,976 rupees एंड 8 GB रैम एंड 250 GB स्टोरेज का प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 13,349 rupees। सो गाइस, यही था कुछ छोटा मोटा अपडेट है कि वीवो ये जो मोबाइल हमारे इंडिया में कब लॉन्च करेगा। अगर आप लोग लॉन्च होने के बाद खरीदना चाहते हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना, और कैसा लगा ये मोबाइल और ये अपडेट सुनकर प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना। और ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स रिलेटेड अपडेट्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना, जिससे टिप्स रिलेटेड अपडेट आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच पाए। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए टाटा बाय।